Assalamualaikum, welcome to my home's cooking channel. तो आज हम बनाएंगे फूल्स। इसे बल्ली या फिर खरवस भी कहा जाता है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और बल्ली थोड़ी सी अलग होती है और फूस थोड़ा सा अलग होता है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 2 लीटर दूध लेंगे। हमने यहाँ पे 1 लीटर कच्चा और 1 लीटर सादा भैंस का दूध लिए है। यहाँ हम नमक लेंगे, 1/2 किलो गुड़ लेंगे हम छुरी से बारीक कट करके इस तरह से, और 2 अंडे लेंगे। हमने यहाँ पे देसी अंडे ले लिए हैं। आप इंग्लिश अंडे जो आते हैं वो भी ले सकते हो, पर ये ज़्यादा अच्छे होते हैं। और यहाँ पे हम एक बड़े कोकोनट जो नारियल है उसका गाढ़ा गाढ़ा सा दूध निकाल के ले लेंगे मिक्सर को लगा के। और यहाँ पे हमने 1 कप गेहूँ की जो लापसी आती है उसको 15 मिनट भिगोते रखना है, और उसको मिक्सर में पानी लगा के, मतलब पानी डाल के ग्राइंड करना है। और यहाँ पे हमने हल्दी ले लिए है। हल्दी हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये सारे इंग्रेडिएंट्स हमें यूज़ होंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो हमने 2 अंडे ले लिए थे उसको फोड़ के इस तरह से अच्छे से फेंट लेंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें 1 टेबलस्पून हम इसमें नमक डालेंगे, ठीक है। और इसे हम फिर से अच्छे से फेंट लेंगे इस तरह से। ये गाँव में बनाया जाता है बहुत सी जगह पे। तो ये देखिए, इस तरह से अब हमने इसमें वो दूध भी डाल दिए हैं जो हमने 2 लीटर दूध लिए थे, और साथ ही अब हम इसमें 1/2 किलो गुड़ डालेंगे। और अब हम इसमें 2 चम्मच हल्दी डालेंगे, और ये हमने यहाँ पे नारियल का दूध डाल देंगे, ये देखिए। और अब हम इसमें जो लापसी का हमने बनाए थे पानी को लगा के, मिक्सर को लगा के, वो डाल देंगे। और इस तरह से हम अच्छे से हिलाएंगे इसको हाथ की मदद से, ताकि अंदर जो गुड़ के जो टुकड़े होते ना, छोटे छोटे जो हमने छुरी से कट किए थे, उसको हम अच्छी तरह से, अगर कहीं पे मोटा है तो इस तरह से हम हाथों की मदद से ऐसा ट्विस्ट करेंगे इसको, ऐसा दबा के हम अच्छे से उसको हिलाएंगे। ये देखिए, अब हमने चम्मच की मदद से भी अच्छे से हिला लिए। हमें इसमें थोड़ा सा कलर कम लगा, तो अब हम इसमें और 1 टेबलस्पून डाल दिए हैं, यानी कि टोटल हम इसमें 3 टेबलस्पून हल्दी डाल दिए हैं, ये देखिए। और इसे अच्छे से स्टर करना है, और इसका कलर भी कितना प्यारा लग रहा है। तो साथ ही अब हम इसमें 2 चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इलायची पाउडर डालने से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया खुशबू आती है इसमें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है खाने में भी। और हम इसमें जो ये रेसिपी हम बनाने वाले उसे हम चूल्हे पे रख के बनाने वाले हैं। आप इसे गैस पे, स्टोव पे रख के भी बना सकते हो, लेकिन ये जो चूल्हे पे बनाया हुआ जो फूस होता है उसका टेस्ट ही बहुत अलग होता है, बस पूछो ही मत। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब। तो 15 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए, इस तरह से ये जो फूस है वो नीचे इस तरह से मलाईदार जैसा जमने लग जाता है, और हमें इसे हिलाना नहीं है। तो ये देखिए, आप जो इंगल है हम नीचे उसे हल्का सा, मतलब कि पकाने रखेंगे, और ऊपर सारा अब हम इस पर इस तरह से पकाएंगे। थाली के ऊपर जो इंगल वगैरह होते हैं वो इस पर हम रख के इस तरह से पकाएंगे। इसे हम इस तरह से 45 मिनट पका लेंगे। तो ये देखिए, 45 मिनट इसे हो चुके हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरह से पक गया है। तो ये देखिए, ये जो हमारा फूस है बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे से ऊपर फुलके भी आ चुका है, और बहुत ही अच्छे से बन भी चुका है। इसे हम ठंडा करके ही कट करेंगे, और हमें इसे ठंडा करके ही कट करना है और खाना भी है, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आप इसे रोटी के साथ भी खा सकते हो, बहुत ही बढ़िया लगता है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ ही घंटी को दबाना ना भूलना। अल्लाह हाफिज़।